नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सत्याग्रह है या फिर सत्ताग्रह, अशोक गहलोत ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि राज्यपाल पर ऊपर से दबाव है और इसी वजह से वो विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले राजभवन से बाहर आए, मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, तो राज्यपाल को उस फैसले को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों में काफी असंतोष है। याद रखिए, इससे पहले उन्होंने लगभग खुली धमकी दी थी और कहा था कि हम धरने पर बैठ रहे हैं, अगर राज्य की जनता राजभवन का घेराव कर ले तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के इस रण में आप देख रहे हैं, जहां पर अशोक गहलोत ने दोबारा सीधे उनकी ठन गई है राज्यपाल से और कहा है कि राजभवन में हम धरने पर बैठे हैं, ऊपर से दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है अशोक गहलोत ने। हमारे संवैधानिक मुखिया है राज्यपाल महोदय, हमने आगे रिक्वेस्ट करी है, मुझे कहते संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट के फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। कुछ क्वेरी होती है मान लीजिए उनकी, तो वो म्यूचुअली बात करके सरकार के साथ में, कल रात को ही मैंने उनको निवेदन किया, कुछ आपकी क्वेरी भी है तो आपके सेक्रेटरी टू गवर्नर, सेक्रेटरी टू सीएम से बात करके वो क्वेरी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्या कारण है कि आपने कल उसको फैसला नहीं सुनाया? आज हमने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। मैं यकीन करता हूं कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे, उसके बाद में हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर, कब तक राज्यपाल ने क्या कहा है? डिपेंड करेगा कब पत्र देते हैं, मैं वो क्या लिखते हैं उसके बारे में तय करेंगे हमें क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि जो उनकी क्वेरीज है जिनके कारण से ये फैसला वो नहीं कर पाए होंगे, वो क्वेरीज जब हमें बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी बता देंगे वो, उसके बाद में हम फैसला करने हमें क्या करना है। देखिए, अब मामला बिल्कुल साफ है, या तो अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने की परिस्थिति में नहीं है या फिर वो बचा लेंगे अपनी सरकार। क्या सचिन पायलट उनकी सरकार को गिरा पाएंगे, इस एक घंटे की बहस में तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के सियासी रण में काफी अहम दिन है आज का। हाईकोर्ट ने गहलोत गुट को झटका दिया, पायलट गुट की याचिका को सही ठहराते हुए विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी। मतलब फिलहाल पायलट गुट, सचिन पायलट का जो गुट है, उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इस बीच विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर सीएम और राज्यपाल में ठन गई है। मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए, वहां पर धरने पर बैठ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कोरोना की दलील दे रहे हैं राज्यपाल। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आमने सामने के इस चक्कर में सुधांशु त्रिवेदी, पवन खेड़ा होंगे और हमारे साथ राजस्थान सरकार के भी कई मंत्री एक एक करके इस बहस में शामिल होंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। नहीं सलागी, नहीं सलागी। इंसाफ हमारा नारा है। लॉन में डेरा है, जय गहलोत का नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका संविधान जिंदाबाद। उतरा है गहलोत गुट राज्यपाल निवास में। आज यही आलम रहा रेगिस्तान के रण में। गद्दी की लड़ाई अब सीधा राजभवन पहुंच गई। पिछले 12 दिनों से फेयरमोंट होटल में मुगले आजम, शोले और क्रांति का शो देखने के बाद आज राजभवन के धरातल में नारों की अंत्याक्षरी शुरू हुई। काफी देर तक अशोक गहलोत राज्यपाल से बात करते रहे और विधायक बाहर लॉन में धरने पर बैठे रहे। फिर राज्यपाल ने धरने पर बैठे विधायकों को खुद बाहर आकर समझाया, कहा मामला कोर्ट में है, धीरज रखिए। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे हमने सुन ली हैं, अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए।
इसकी पृष्ठभूमि थी आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद अशोक गहलोत का गुस्सा। अशोक गहलोत ने खुलकर धमकी दी, कहा राज्यपाल विधानसभा सत्र जानबूझकर नहीं बुला रहे, ये नाजायज राजनीति का नंगा नाच है, हम धरना देंगे, अगर जनता राजभवन घेरने आ जाए तो हमें कुछ मत कहिए। दबाव में किसी के नहीं आए, आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये कहकर विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर दिया था कि कोरोना के समय सत्र बुलाना ठीक नहीं, कई विधायक खुद कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना का संकट है तो सारे विधायकों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाने के लिए हम तैयार हैं। मीडिया के जरिए जैसे हमें मालूम पड़ा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, अगर ये सच है तो हम 200 के 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इधर भारत सरकार के जिस मंत्री पर गहलोत सरकार विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है वो सामने आए और अशोक गहलोत को सत्ता लोभ में छल कपट और धमकियों की राजनीति करने का आरोप लगाया। सचिन पायलट कैंप इस बात का आरोप लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़े में बंद करके लोगों को रखा गया, हमको संपर्क नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं कि उनके लोगों को जो है बाड़े में बंद कर रखा गया, बाउंसर लगा दिए गए, वो टेलीफोन पर रो रहे हैं, वो टेलीफोन पर बिलख रहे हैं, उनकी उनके परिजनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ आप कहते हो वो नाकारा है, वो निकम्मा है। मुझे लगता है कि ये सब फ्रस्ट्रेशन जो है आपके घर के विग्रह का फ्रस्ट्रेशन आप जो है स्पष्ट हो रहा है और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप जो है दूसरों के घर के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हो। आज हाईकोर्ट ने स्पीकर के अयोग्यता नोटिस पर स्टे लगा दिया था जिससे पायलट सहित 19 विधायकों को बड़ी राहत मिली थी। इससे बौखलाकर अशोक गहलोत का फ्लोर टेस्ट ना हो पाने का सारा गुस्सा राज्यपाल पर निकल गया। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब राजस्थान की लड़ाई अशोक गहलोत सरकार वर्सेस राज्यपाल बन गई है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, पवन खेड़ा जी जुड़ गए इस बहस में और हमारे साथ सतीश पुनिया जी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। गोविंद डोटासरा जी हमारे साथ जो कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष है वो जुड़ेंगे, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष माफ कीजिएगा हमारे साथ सतीश पुनिया जी जुड़े हुए हैं। तो आज डबल टक्कर हम करेंगे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही स्थानीय अध्यक्ष हमारे साथ जो राज्य के अध्यक्ष हैं वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले लेकिन पवन खेड़ा जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, अब की बार राज्यपाल पर वार। अंजना जी, वार कहीं संविधान पे ना हो जाए राज्यपाल द्वारा, ये हम देख रहे हैं। 182A के तहत राज्यपाल के हाथ बंधे हुए होते हैं, अगर मंत्रिमंडल की अनुशंसा है तो राज्यपाल उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं अंजना जी, 96 का दिसंबर, यही भंवरलाल शर्मा जी और भैरव सिंह शेखावत विदेश से अपना इलाज करा के लौटे थे, एक जनता दल नाम की एक पार्टी जिसमें भंवरलाल शर्मा जी थे उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था और बलिराम भगत जी के पास जाकर उन्होंने कहा था कि ये सरकार अल्पमत में। भैरव सिंह शेखावत जी सारे विधायकों को लेकर गए और उन्होंने घेराव किया बलिराम भगत साहब का, वो राज्यपाल थे उस वक्त। बलिराम भगत जी ने उनकी बात मानी, उनके मंत्रिमंडल की अनुशंसा को स्वीकार किया और फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी। उस वक्त यही अशोक गहलोत जी चाहते तो जैसे पुनिया जी और ये लोग चाहते हैं या गजेंद्र सिंह शेखावत जी चाहते हैं कि सरकार में आ जाए बिना चुने हुए, वो भी कर सकते थे। अशोक गहलोत जी ने भंवरलाल शर्मा जी का विरोध किया कि ये भैरव सिंह शेखावत जी की चुनी ही सरकार है, ये विदेश में इलाज कराने गए थे और आपने उसके पीछे विद्रोह का बिगुल बजाया है, ये गलत है या संवैधानिक है।
उस वक्त कांग्रेस द्वारा बनाए गए बलिराम भगत जी जो गवर्नर थे उन्होंने संविधान की पालना की थी। मेरा अपना राज्य है उसका इतिहास मैं आपको बता रहा हूं कि कई चैनल्स बोल रहे हैं ये पहली बार हुआ कि विधायक वहां चले गए घेराव कर दिया, नहीं ये दूसरी बार हो रहा। पहली बार भैरव सिंह जी लेकर गए और बिल्कुल सही किया था उस वक्त भैरव सिंह जी ने और बिल्कुल सही किया था उस वक्त के राज्यपाल जी ने, उन्होंने बिल्कुल संविधान का सम्मान करते हुए फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी थी। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय राज्यपाल फिर से वही बात करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और केंद्र के दबाव में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी आप दें, उससे पहले आपकी इजाजत से जल्दी से एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गोविंद डोटासरा जी भी जो कि अध्यक्ष बने हैं सचिन पायलट के हटाए जाने के बाद वो भी जुड़ गए हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए शरद, इस बार जो विधायकों का जय गहलोत का नारा है उतरा है सारा गुस्सा राज्यपाल निवास में। देखिए अंजना, घर टूटे तो जग लूटे, कांग्रेस ने का आपसी झगड़ा है, आपसी झगड़े में इन्होंने बीजेपी को वक्त दिया है। हम दृश्य दिखाते रहेंगे अंजना की किस तरह से यहाँ पर राजभवन के बाहर जो है अब पुलिस फोर्स भी थक गई है खड़ी खड़ी दोपहर से, और अंदर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार ऐसा कह रहे हैं कि भैरव सिंह शेखावत आए थे लेकिन इस तरह से धरने पर नहीं बैठे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरने पर बैठे हैं अपने पूरा मंत्रिमंडल लेकर राजभवन में और सीधे सीधे चुनौती दिए हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर जनता घेर ले तो, यानी मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी जनता घेर ले तो, सीधे सीधे राज्यपाल पर एक दबाव डालने की कोशिश की। अंजना समझना होगा इस स्थिति को कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से घिरे हुए चाहते हैं जल्दी से जल्दी यहां से निकले, निकलने का एक रास्ता उनको दिख रहा है कि हमारे पास 100 के आसपास विधायक है, इन विधायकों को जल्दी से लेकर हम विधानसभा के अंदर जाएं अपना बहुमत साबित करके कम से कम 6 महीने के लिए हम आराम करें। उधर समस्या यह है कि सचिन पायलट के यहाँ भी कोई ना कोई समस्या अटकी हुई है जिसके वजह से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो वक्त लें और यही वक्त लेने के लिए वो इस तरह से कह रहे हैं, हालांकि इनका आरोप है कि बीजेपी कह रही है कि अभी जरूरत नहीं है बहुमत साबित करने के लिए। दरअसल मसला ये है कि 93 की बात तो ये करते हैं, अभी राज्यपाल का कहना है कि आपको किसने कहा कि आप अल्पमत में हो, सचिन पायलट कह नहीं रहे अल्पमत में हो, बीजेपी आपको कह नहीं रही अल्पमत में हो, तो आप क्यों बहुमत साबित करना चाहते हैं? लेकिन कटारिया साहब तो कह रहे हैं, जो कलराज मिश्रा अशोक गहलोत के बीच नहीं नहीं नहीं, लेकिन बीजेपी तो कह चुकी है कि आप अल्पमत की सरकार है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये शरद, आपने तस्वीरें भी भेजी थी, पार्ले जी के बिस्किट्स खिला रहे हैं वहां पर विधायकों को, राज्यपाल की तरफ से क्या ये इंतजाम किया गया है जो लॉन में इस वक्त धरना चल रहा है, जो तस्वीरें भेजी है उन्होंने, ये देखिए ये बिस्किट्स और ये सब, इससे पहले भी तस्वीरें आई थी उसमें अशोक गहलोत जी एक बिस्किट खाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए पूरा लाव लश्कर के साथ यहाँ पर अब आने की तैयारी है, विधायकों से कह दिया गया है, मंत्रियों से कह दिया गया है कि अपने कपड़े पड़े मंगा लें, यहीं पर जो है नहाने धोने का काम भी यहीं पर किया जाएगा और टेंट राजभवन में कुर्सियां अंदर जा रही है शरद, राजभवन में जा रही है कि यहाँ से एक लंबी लड़ाई लड़ी जाए फेयरमाउंट होटल के बाद, अब राजभवन में यहीं पर नहाने धोने का कार्यक्रम जी बिल्कुल यही कहा गया है कि यहीं पर टेंट लगाया जाएगा, यहाँ पर कुर्सियां लगेंगी और यहीं पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक राज्यपाल इसकी इजाजत नहीं दे दे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। कुल मिलाकर यहाँ से एक दबाव डालने की कोशिश है क्योंकि अशोक गहलोत को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और इतना वक्त लग जाएगा तो इतने लंबे समय तक अपन विधायकों को होटल में नहीं रह सकते और होटल में नहीं रख सकते, तो इसी ताक में तो सचिन पायलट कूट बैठा है कि कई इसमें ऐसे विधायक है जिनकी निष्ठा पर संदेह है, वो इधर के भी है उधर के भी है, तो ऐसे में वो छिटक के जा सकते हैं। बड़ी मेहनत से अशोक गहलोत ने काउंसलिंग की है 10 दिनों की, वो चाहते नहीं है कि 10 दिनों की काउंसलिंग पर पानी फिर जाए, इसीलिए चाह रहे हैं कि यहीं से राजभवन में आ गए हैं तो राजभवन से अब विधानसभा जाएं, ये तैयारी करके आए हैं, इसीलिए एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कल जो है पूरे राजस्थान भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, पंचायत स्तर तक धरने की तैयारी है, जिला मुख्यालयों पर धरना होगा, एक तरह से जनता के भी सहानुभूति भी लेने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से बीजेपी चौतरफा हमको घेर चुकी है और हमारी सरकार को डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है अंजना, तो कुल मिलाकर दो तरफा एक पॉलिटिकल संदेश भी देना चाहते हैं और सरकार भी बचाना चाहते हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, इस तैयारी का मतलब समझ रहे हैं आप, डटे हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास में इसके बाद फौरन आऊंगी, सतीश जी आप भी इधर देखिए,
लेकिन उससे पहले सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो पवन खेड़ा जी ने कहा है और जो तस्वीर वहां से आ रही है, इस तैयारी का बड़ा मतलब है। वो कह रहे हैं अब तो नहाना धोना सब कुछ यहाँ पर फेयरमाउंट होटल से पूरा जमावड़ा पहुंच गया है राजभवन यानी राज्यपाल के निवास पर। पहले तो मैं अपने मित्र पवन खेड़ा जी की बात का एक वाक्य में जवाब दे देता हूं कि उन्होंने कहा कांग्रेस द्वारा बनाए गए बलिराम नगर की 96 में सरकार श्री एच डी देवगौड़ा जी की थी। और जहां तक कांग्रेस की बात है भैया, मोतीलाल वोरा जी 1995 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 223 विधायक लिए खड़े रह गए, मिलने का समय नहीं दिया और दिल्ली से बैठे बैठे उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर चाहे बूटा सिंह हो झारखंड में, सैयद सिप्ते रजी हो 1983 में, एनटी रामाराव जी का मामला हो, और जिसकी वजह से कोर्ट को कर्नाटक में एसआर बोम्मई जजमेंट देना पड़ा। खैर वो विषय छोड़िए, अब राजस्थान पे आइए। देखिए अशोक गहलोत जी के सामने समस्या क्या है, अरे अपने विधायक पे वार, अपने मंत्री से तकरार, अपने प्रदेश अध्यक्ष से तकरार, फिर युवा नेता गद्दार, राज्यपाल से तकरार। समझे नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे। बड़ी सिंपल सी एक बात है, तीन कारण मैं बताता हूं राज्यपाल कलराज मिश्रा जी ने जो ये निर्णय लिया है वो क्यों उचित है। नंबर वन, कोरोना के चलते हुए इस समय कोई भी विधानसभा, यहां तक कि तमाम देशों में कहीं संसद नहीं चल पा रही है, एक दो देशों को छोड़कर, संसद कैसे चलाई जाए इसके ऊपर विधिवत विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, क्योंकि विधान भवन। सर ये विधिवत विचार आपने मध्य प्रदेश में किया था कि नहीं किया था, ये विधिवत विचार आपने मध्य प्रदेश में किया था कि नहीं किया था? तस्वीरें जरा मध्य प्रदेश की भी दिखाइए, तब भी कोरोना था, तब भी लॉकडाउन था, तब भी आपने ये सब कुछ किया था, क्योंकि वहां सरकार बन रही थी। मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बात करिए जी। बोलिए, पहली बात जब मध्य प्रदेश में हुआ था मार्च का महीना था, मैं विनम्रता से पूछता हूँ मार्च में मध्य प्रदेश में कितने केस थे, जाके चेक कर लीजिए, एक भी केस नहीं था 22-23 मार्च तक। तब स्थिति भिन्न थी, आज बहुत भयावह स्थिति है। और दूसरी बात, आज संसद इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि कैसे डिस्टेंसिंग रखी जाए। दूसरी बात, ये सामान्य विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी, विश्वास मत होगा, विश्वास मत संवैधानिक चीज है जिसपे कोर्ट भी टिप्पणी नहीं कर सकता। जेएमएम ब्राइबरी केस में ये हो चुका है, तो विश्वास मत संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हो पाएगा, या डिस्टेंसिंग से एक दूसरे कमरे में बैठा होगा, यहां पर पीठासीन अधिकारी कहां बैठे होंगे, वो कैसे मार्शल्स वहां पर होंगे, ये एक विषय है विचार करने वाला। और तीसरी बात, सरकार की स्थिति देखिए। अरे भाई आपने सुना होगा कि विपक्ष अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, यहां सरकार मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है कि उसके विधायक विधायक निवास में सुरक्षित रहेंगे, तो वो होटल में रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कैसे आश्वस्त हो जाए कि जब सत्ताधारी दल एक तरफ मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं अपनी पुलिस पे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धड़ाधड़ उकसावे की बात कर रहे हैं, फिर राजभवन को ही घेर लिया जाएगा, तो एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है। और चौथी बात, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इन चारों बिंदुओं का उत्तर हमारे माननीय प्रतिपक्षी महोदय दे दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा उनकी बात। पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि पवन खेड़ा जी भी और आप भी सुधांशु जी राजस्थान चुनाव में वहीं पर थे और मैं भी थी और आप लोगों से लगातार बातचीत हो रही थी। अब सतीश पुनिया जी और गोविंद डोटासरा जी को दिखाइए। सतीश जी, आज तो बनता है कि जरा डोटासरा जी से एक दो सवाल पहले किए जाएं, क्योंकि कांटों भरी कुर्सी पर ये बैठे हैं, विराजमान हुए हैं सचिन पायलट के पास, इसीलिए गोविंद जी आपसे सवाल। देखिए ये कह रहे हैं कि जब तक सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं होते हैं तब तक हम धरना जारी रखेंगे, अशोक गहलोत कह रहे हैं। यहाँ पर कैसे दिखाइएगा सर, ये सब जो आपको तमाम फिल्में दिखाते रहे, क्रांति से लेकर मुगले आजम, शोले, अंताक्षरी, वो सब यहाँ पर कैसे होगा सर? विधायकों को कैसे एकजुट रखिएगा? कई ऐसे विधायक हैं जिनकी भावना अभी भी सचिन जी के साथ है। अंजना जी, चुनी हुई सरकार कैबिनेट का फैसला करके वहाँ पर हाउस बुला सकती है और दो बार तीन बार चाहे जितनी बार बुला सकती है। चुनी हुई सरकार है, कैबिनेट ने फैसला किया है, बहुमत की सरकार है, राज्यपाल को बुलाना ही पड़ेगा, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पालना उनको करनी ही पड़ेगी। कितने दिन नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, कोई कारण नहीं है। कोरोना की हम चर्चा करना चाहते हैं। मोदी जी ने तो आनंद फानंद में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके पूरे देश में एकदम से लॉकडाउन कर दिया, जिसका परिणाम आपने देखा कि लाखों करोड़ों मजदूर रोटी के लिए तरसते रहे, पैदल चलते रहे, हजारों हजारों किलोमीटर चलते रहे। लेकिन जब आज चुनी हुई सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला कर दिया, तो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं महामहिम महोदय, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं बुलाना चाहता, क्या कारण है। ये ऐसी शक्तियां जो सुधांशु जी को पता है कि वहां पर बैठी बैठी किस तरीके से पैरोकारी कर रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, जब ये खुद ही कह रहे हैं कि अभी तो आपके पास बहुमत है,
तो फिर विधानसभा सत्र क्यों नहीं चले? सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, अगर इनको महामहिम को ऐतराज होगा कि कोरोना की बात है तो टेस्टिंग हो जाएगी सबकी, पीपी किट पहन लेंगे, लेकिन जो स्थितियां पैदा कर रखी हैं एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके चुनी हुई सरकार को गिराने का, उसका पर्दाफाश राजस्थान की जनता करना चाहती है। और हम सब लोग महामहिम से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, कोई दबाव बनाने नहीं आए कि आपको दो दिन हो गए कैबिनेट ने फैसला करके दिया है, आपने हमें कोई उत्तर नहीं दिया, आप बताइए क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? ठीक है, सतीश पुनिया जी जवाब देंगे, सतीश पुनिया जी जवाब देंगे। चुनी हुई सरकार, वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं सत्र बुला सकते हैं। सतीश जी धरने पर बैठे हैं। सतीश जी, अंजना जी जो आज जो घटनाक्रम हुआ और अभी आपने कहा कि हम दबाव नहीं दे रहे, क्या राज्यपाल को ये फोर्स कर सकते हैं क्या कि राज्यपाल इनके कहने से सदन बुलाए? उसकी एक संवैधानिक परंपरा है। मुख्यमंत्री जी को आपने दिखाया अभी, उन्होंने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी, आज 3-3 अपराध कर दिए उन्होंने, डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 51 का उल्लंघन किया उन्होंने 108 में अबेटमेंट किया, 124 में संवैधानिक व्यक्ति के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, तो इस दबाव से थोड़ी सदन बुलाया जा सकता है। उनको जल्दी है और ये कह रहे हैं कि बहुमत है, कांग्रेस की संख्या, कांग्रेस की 102 है सदन में, 19 लोग माइनस हो गए, कितने लोग बचे? कांग्रेस की संख्या तो यही है। ये जो लेके बैठे जुगाड़ का काम है, कभी BTP को पकड़ के लाते हैं, कभी CPI को पकड़ के लाते हैं, तो आशंकित खुद है ये, और जब ये आंकड़ा थोड़ा 100 के आसपास दिखता है तो कहते प्रूव करेंगे, लेकिन अभी ये कोई कानून और संविधान से ऊपर है क्या? इनको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? BSP के लोगों को मर्ज किया कांग्रेस में, उसकी पिटीशन 27 तारीख को हियरिंग है, स्पीकर को उन्होंने टूल बनाया, किस तरीके से नोटिस देके, इनके षड्यंत्र ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई करें, हाउस में मेजोरिटी हासिल कर लें। इन्होंने एडजोन कराया कोरोना की आड़ में, जब राज्यसभा के चुनाव थे पोस्टपोन हुए कि कोरोना के कारण अब सदन नहीं चल सकता, ये इन्हीं स्पीकर महोदय के उससे हुआ है, एडजोन हुआ है। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई कि आप इस कोरोना के ग्रेजुअली बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच में आपको तुरंत सदन बुलाना है? तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये दृश्य पहली बार देखा है कि राजभवन में इस तरीके से, कोरोना का भी संकट है और देश प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी संकट खड़ा कर दिया इन लोगों ने। चलिए ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें तो बहुत कुछ पूछेंगे ना, ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं सर। सुधांशु जी, सतीश जी, आपको इस पर जवाब देना होगा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि उस वक्त कोरोना का संकट टल गया था। 3 मार्च 2020 को गुरुग्राम के रिजॉर्ट में कैसे विधायक थे, फिर 8 मार्च को कांग्रेस के 19 MLA बेंगलुरु पहुंचे, उसके बाद से ये पूरा क्रम, और 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहला केस कोरोना का आ चुका था। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में घटनाक्रम रहा। कोरोना तो सब भूल गए थे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप दोनों के पास आऊं, जल्दी से गोविंद डोटासरा जी के पास चलते हैं। गोविंद जी, आप वहीं पर मौजूद हैं, मुझे बताया गया है राजभवन में ही आप भी लॉन पे बैठे हुए धरने में। बिल्कुल धरने में नहीं, हम महामहिम से रिक्वेस्ट करने आए हैं, चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के द्वारा किए गए फैसले के मानने के लिए। गोविंद जी, जब राज्यपाल खुद बाहर आए थे उन्होंने क्या समझाया था? उन्होंने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको आपस में नहीं टकराना चाहिए। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये चल रहा है कि स्पीकर नोटिस दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्या उन्होंने सही दिया या गलत दिया, ये तो विषय ही नहीं है। कैबिनेट का फैसला है, बहुमत की सरकार है, वो ये कह रही है हम राजस्थान की विधानसभा का सत्र चलाना चाहते हैं। तो यही बैठे रहिएगा, कब तक बैठे रहिएगा इस लॉन में? इस लॉन में कब तक बैठे रहिएगा सर? ये पूनिया जी और सुधाक जी क्यों पैरवी कर रहे हैं? इनके किसी विधायक को तो नोटिस भी नहीं दिया, 19 जो विधायक हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने कभी मना भी नहीं किया कि आपका बहुमत नहीं है तो हम क्या राजस्थान की विधानसभा क्यों नहीं चला सकते, ये पूछिए इनको कि ये बताइए कि हम क्यों नहीं बुला सकते। यही तो तय करते हैं वहां बैठे बैठे दिल्ली में कि साहब कोरोना का बहाना ले लो, आप ये बहाना ले लो, इस प्रकार से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और कौन कर रहा है बताओ? बीजेपी के कौन लोग सर? कौन सर? बीजेपी के कौन? यही सुधांशु जी और मोदी जी, अमित शाह जी, पूनिया जी, सब मिले हुए हैं इस काम में, सब मिले हुए हैं जी, सरकार को गिराए सब मिले हुए हैं जी।
सो नहीं मिले आप देख लीजिए नहीं बिस्किट चाय का वहाँ पे इंतजाम चल रहा है इसके भरोसे कब तक बैठे रहिएगा सर। की भी पैरवी कर रहे हैं पायलट जी के ग्रुप की भी पैरवी कर रहे हैं गोविंद जी पैरवी कर रहे हैं सबके प्रवक्ता बने हुए गोविंद जी गोविंदा गोविंदा करते हुए कब तक बैठे रहिएगा वहाँ पे ये बताइए ना राज्यपाल के लॉन में कब तक बैठे रहिएगा। हम हमारे राज्यपाल से मुख्यमंत्री और हम विधायक क्यों नहीं पूछ सकते कि हम 102 से ज्यादा विधायक हैं आप हमारा सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं कारण दीजिए तो ये कारण तो दे फिर पता लगेगा क्या है। कह रहे कई विधायकों को भी कोरोना है वो कह रहे कई विधायकों को भी कोरोना है तो आप बताइए ना कौन से को हम टेस्ट करा देते हैं हमारे तो है नहीं बीजेपी वालों के है तो जिस दिन आएंगे उस दिन टेस्ट करा के अंदर वोट दिला देंगे। टेस्ट कितनी देर में रिजल्ट आता है सर आपको पता है टेस्ट करने के बाद कितनी देर में रिजल्ट आता है हमारे यहाँ 24 घंटे में आ जाता है 24 घंटे में आ जाता है तो आज आप हाँ, चाहते हैं कि टेस्ट 24 घंटे भी नहीं लगते 24 घंटे तो वहाँ बैठने के बजाय सबका आप कोरोना टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखा दीजिए राज्यपाल साहब को क्यों 3 दिन का तो वैसे ही इनको समय देना है तो हम तो सबको कह देंगे कोरोना टेस्ट कराइए जो नेगेटिव है वो आइए पॉजिटिव है उसके लिए वो व्यवस्था की जाए कहाँ दिक्कत आ रही है आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु जी हंस रहे हैं आपकी बात। दूसरा कोरोना पॉजिटिव है सरकार गिराने का जो कोरोना पॉजिटिव है वो है आप लोग सरकार गिराने के कोरोना पॉजिटिव है सुधांशु जी। हाँ देखिए जो गोविंद जी कह रहे हैं एक तकनीकी बात है राजस्थान सरकार भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है किसी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होता है उसके बाद उसका 14 दिन के बाद दोबारा कोरोना टेस्ट होता है तब ये कंफर्मेशन होता है कि उसके अंदर कोरोना नहीं है और उस 14 दिन उसको क्वारंटीन में रहना पड़ता है वो ये प्रक्रिया पूरी कर ले और उसके बाद आके दावा कर दे कौन सी समस्या है। दूसरी बात जब विधानसभा स्थगित की गई तो रघु शर्मा जी को चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ये बता दे बाकायदा लिखित में कि जिस तारीख को विधानसभा स्थगित की गई थी तब तो भीड़ वाला मॉडल का बड़ा जलवाय जलाल था ना तब स्थिति अच्छी खराब थी और आज स्थिति कोरोना की नियंत्रित हो गई है इसलिए अब विधानसभा का सत्र बुलाने में बारी पूरा करने से बारी बारी से एक घंटे का टाइम है सर और आप तो अच्छे से खुले से लॉन में बैठे हुए हैं चाय नाश्ते का इंतजाम है। सुधांशु जी बात पूरी कर ले अंजना जी सुधांशु जी इतनी मुश्किल में वो बैठे हुए बार ये क्या कोरोना का नेगेटिव लेकर के आए थे क्या सर्टिफिकेट ईटी वाले जो 100 आके आए थे क्या केंद्र की सरकार ने इनको ईटी वालों को और इनकम टैक्स वालों को नेगेटिव कोरोना का टेस्ट करके दिया था क्या सर्टिफिकेट देके भेजा था क्या इनको सर ऐसा बताइए कि कांग्रेस के नेताओं पर भी ईडी और आईटी का ये रेड हुआ है या फिर होटल मालिकों पर और ऐसे लोग जो करीबी बताए जाते हैं सरकार के किस पर हुआ है रेड बिल्कुल 100% टारगेट करके किसको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उन लोगों पे किया गया होटल मालिक एक सेकंड सर अब ये सवाल बड़ा गंभीर है इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा गोविंद जी अगर किसी होटल मालिक पर किसी बिजनेसमैन पर ईडी और आईटी का रेड होता है तो ये कांग्रेस पार्टी पर कैसे दबाव है कांग्रेस पार्टी तो पर कैसे में हम ठहरना चाह रहे हैं उसी में क्यों होता है आप बताइए ना और बहुत होटल है ना 200 यहाँ अच्छा उसी का कैसे पकड़ा इन्होंने जिसमें हमने हम कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल मालिक मुख्यमंत्री जी का बहुत करीबी है इसलिए आप लोगों को इतनी संवेदना हो रही है। नहीं नहीं हम जहाँ ठहरे थे इसलिए उसको कि इनको ठहरने मत दो ये कहाँ जाएंगे सड़क पे जाना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे ईडी की रेड करेंगे इनकम टैक्स की रेड करेंगे क्योंकि आपने कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्यों शरण दिया। ठीक है जल्दी से सुधांशु जी बहुत देर से हाथ आ रहा है इसके बाद मैं पवन जी आपके पास आऊंगी सचिन पायलट गुट के भी एक विधायक की बाइट आई है उसके बाद पुनिया साहब आपके पास भी आऊंगी जल्दी से सुधांशु जी अपनी बात पूरी देखिए बस होटल मालिक पे तो ऐसा है ना अंजना जी हमने बचपन में बहुत वो कहानियां सुनी है ना कि एक राक्षस की जान एक तोते के अंदर होती थी तोते को जैसे ही गर्दन दबाई जाती थी राक्षस तिल मिलाने लगता था मेरा वर्ड शब्दशः मत लीजिए मैं किसी को राक्षस नहीं कह रहा हूँ आप भी तो सर तोते की पहचान करने में माहिर हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना होटल मालिक के ऊपर होने से इतनी तड़प इनको हो रही है जिसे अंग्रेजी में विकैरियस इफेक्ट कहते थे कि लैला मजनू को होता था ना कि पीठ पे उसके छड़ी पड़ती थी और घाव इनके चेहरे पे इनकी पीठ पे दिखने लगते थे तो वो स्थिति सबको साफ समझ में आ रही है। और मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आप लिखित में दे दीजिए ना कि जिस तारीख को विधानसभा स्थगित की थी उसके मुकाबले आज स्थिति अच्छी हो गई है हम सब करने के लिए तैयार है राज्यपाल महोदय बिल्कुल विचार कर लेंगे इसमें कोई समस्या बात नहीं। तीसरी बात पार्टी संविधान के अनुसार पुनिया साहब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हाँ। पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी अध्यक्ष होता है जिस समय सचिन पायलट के गुट के विधायकों पे किया गया कार्रवाई अध्यक्ष सचिन पायलट थे तो पार्टी विरोधी कौन है
पार्टी अध्यक्ष चाहे तो मुख्यमंत्री को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए दंडित कर सकता, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। तो तकनीकी दृष्टि से भी देखना पड़ेगा पार्टी विरोधी गतिविधि किसकी थी, इनकी या उनकी, अगर बिल्कुल आप तकनीकी विश्लेषण में जाएंगे कानूनी दृष्टि से तो। ठीक है सतीश जी, इसमें एक जल्दी से एक रिस्पॉन्स इस बात पर दीजिए, अगर कोरोना ही वजह है, कोरोना टेस्ट के लिए वो खुद ही कह रहे हैं, अभी गोविंद जी भी कह रहे हैं और रघु शर्मा जो वहां पर मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं सबका कोरोना टेस्ट करा देते हैं, करा लीजिए, सत्र बुलाइए, दूध का दूध पानी का। आखिर राजस्थान की जनता भुगत रही है ना, जितने दिन ये मामला ऐसे लंबित रहेगा विधायक या तो होटल में रहेंगे या राजभवन के लॉन में बैठे रहेंगे, अगर आपको इसका अंत करना है तो रास्ता निकालना होगा, फिर आप लोग क्यों डर रहे हैं सत्र से? नहीं, हम सत्र हम थोड़ी बुलाएंगे, राज्यपाल आहूत करेंगे, स्पीकर बुलाएगा, लेकिन ये परिस्थिति क्यों बनी इस पर तो बार बार जाना ही पड़ेगा। इनका अपना झगड़ा है, हमने लिख के न डिमांड करी न कोई बात करी, इनको प्रूव करना है, लेकिन करेंगे संवैधानिक दायरे में, ये इनके घर की दुकान थोड़ी है। और अब जबरदस्ती बैठ के राज्यपाल की छाती पर ऐसे फैसले होते हैं क्या संविधान के? जिस तरीके की मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरीके की भाषा बोली है, आप उस पर भी तो जाइए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, किसी प्रदेश का गृह मंत्री मुख्यमंत्री ये कह सकता है क्या राजभवन को घेर लेंगे? ये सीधे सीधे चुनौती है संविधान को और उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, इसकी इजाजत कौन देगा? ये कराएं फ्लोर टेस्ट, क्योंकि फैसला वही होगा, फ्लोर पर ही होगा, पर वो इनके दबाव से थोड़ी होगा। हम तो केवल राज्यपाल को उस संवैधानिक पद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए, इनको आशंका है जिस तरीके से स्पीकर की आड़ में इन्होंने नोटिस दिलवाए और उनको अयोग्य ठहराने की कोशिश की गई, इनका षड्यंत्र यही है अंजना जी कि किसी ने किसी तरीके से फ्लोर पे उनको डिस्क्वालीफाई करा दे। क्या राज्यपाल पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या राज्यपाल पर दबाव बनाया जा रहा है? और जो ये दबाव की बात वो कह रहे हैं किसी न किसी तरीके से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये षड्यंत्र बीजेपी को दिख रहा है, उल्टी गंगा बह रही है राजस्थान में, ये कह रहे हैं गहलोत जी। पवन खेड़ा साहब, सुबह से शाम तक हर चैनल की सुर्खियां क्या है कि गहलोत सरकार संकट में। अंजना जी मैं जानना चाहता हूं संकट क्या होगा, संकट एक चुनी हुई सरकार पे यही ना होता है कि उनकी संख्या बल कम हो गई, ये साबित कहां होगा? फेयरमाउंट होटल में आप लोगों ने सही उस दिन बात कही कि यहां थोड़ी साबित होगा, असेंबली में साबित होगा, राजभवन में लॉन में सारे देख रहे हैं, यहां भी नहीं साबित होगा, बिल्कुल सही बात है, यहां भी नहीं साबित होगा, कहां साबित होगा? विधानसभा में ही ना साबित होगा। जब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कितना संकट है कितना नहीं और किस पर संकट है, ये भी सामने आ जाएगी बात। मेरे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे कि पूरे विश्व में कहीं असेंबली पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा, आज पुडुचेरी का सेशन शुरू हुआ या नहीं मुझे बताइए आप, सोमवार को गोवा का सेशन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताइए आप, 3 अगस्त को बिहार का सेशन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताइए आप सुधांशु जी। अरे कैसी बातें करते हैं, जब आपको सूट करता है तो आप कुछ इतिहास भी बदल देते हैं, भूगोल भी बदल देते हैं, तथ्य भी बदल देते हैं, अखबार की सुर्खियां भी बदल देते हैं, कुछ तो कहीं तो रुकिए साहब। 3-3 जगह का उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है, आज पुडुचेरी का पहला दिन है या नहीं है सत्र का मुझे बताइए। जब देवेगौड़ा साहब की मैंने बात कही थी, उस सरकार को समर्थन किसका था सुधांशु जी? कांग्रेस का समर्थन था, आपकी पार्टी का नहीं था। और जब वो संकट आया था, आपके रिपोर्टर अंजना जी बता रहे थे शरद जी की वहां धरने पर नहीं बैठे थे भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी ने बाकायदा राजनिवास का घेराव किया था, ना केवल विधायक बल्कि आम वर्कर भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उस घेराव में शामिल था। और उसमें बलिराम भगत जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया, संविधान की पालना करनी थी कर दी, और ना ही कोई कांग्रेस ने आग में घी डालने की चेष्टा की जैसे कि ये लोग करते हैं, ये कहते हैं तोते की जान। हम तो ये जानना चाहते हैं सुधांशु जी, आपके यहां इस पूरे मसले में तोता कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन पर पोंजी स्कीम का 884 करोड़ का घोटाला भी सामने आ गया, जिनकी आवाज टेप में सरेआम सुनाई दे रही है, उनको अपने विधायक, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में, आपका तोता कौन है राजस्थान में, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ एजेंसी तो आपकी तोता है, हम जानते हैं सीबीआई नंबर 1, ईडी नंबर 2, इनकम टैक्स नंबर 3, ये 3 तोते तो हम आपके पहचानते हैं, लेकिन ये सोने के पिंजरे में बैठा हुआ तोता कौन है जो कठपुतलियों की तरह राजस्थान की राजनीति में लोगों को नचा रहा है? इसका भी जवाब मैं सुधांशु जी आपसे चाहता हूं। एक सेकंड मैं इसका जवाब लूंगी पवन जी, लेकिन उससे पहले ये जो संकट आप कहते हैं ये काल्पनिक संकट नहीं है, ये पायलट गुट के विधायक क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए आप।
फिर आप भी समझ पाएंगे और पूरा देश समझ पाएगा कि परिस्थिति क्या है, संकट किसे कहते हैं। जरा सुनाइए पायलट गुट के विधायक क्या कह रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं राजस्थान में गहलोत साहब, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनके लिए शोभाजनक नहीं है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, आदिवासी नेता है, कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी वालों ने बंधक बना रखा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना हमें किसी ने बंधक बना रखा है, ना हमारे पास कोई बाउंसर बैठे हैं, ना हम कोई बीमार हैं, ना हम कोई आंसू बहा रहे हैं, ना हम वहाँ आने के लिए तड़प रहे हैं। हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ, उनकी कार्यशैली, उन्होंने कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया। हमने इतनी कोशिश की, डेढ़ साल में इतना प्रयास किया कि मेरे यहाँ कुंभाराम लिफ्ट का परियोजना का पानी लाओ, मेरी जनता पानी से त्रस्त है, मेरे इलाके को जिला बनाओ, कई तरह की मांगे हमने उनसे जो रखी डेढ़ साल के पीरियड में, एक भी मांग पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अब इस तरह के अनर्गल आरोप हम पे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये उनके पद की शोभा, उनको शोभा नहीं देता है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी कुर्सी बचाए रखें, लेकिन उसके लिए आप सही तरीका अपनाएं, इस तरीके गलत आरोप ना लगाएं। ये बताइए, ये बीजेपी बुलवा रही है क्या उनसे? माफ कीजिएगा एक बार सुधांशु जी, जरा इस पर कमेंट पवन जी से ले लूं मैं। ये तो पायलट गुट के विधायक हैं, ये संकट तो आपके अपने विधायक हैं, घर की लड़ाई है सर आपकी। देखिए, मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि काल्पनिक है, मैं तो मान रहा हूं, चलिए है हाँ। तो दूध का दूध पानी का पानी कहां होगा? विधायक विधानसभा के सत्र में ही होगा ना, संख्या बल सामने आ जाएगा। हमारे विधायक जो गहलोत साहब के साथ हैं, आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पिछले 15 दिन में देख लिए होंगे। इनकी बात तो बताइए, साफ छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। कितने हैं दिखाइए ना, कितने आपने इकट्ठे सचिन पायलट समेत कितने विधायकों को आपने इकट्ठे सड़क पर देख लिया हो या ओपनली बाहर आते हुए? क्या घबराहट है, किस बात से डर रहे हो? अमित शाह से डरते हो, किससे डरते हो? सामने आओ। ये बार बार हम मीटिंग के लिए बुलाते हैं, नहीं आते, क्यों भाई, क्या डर है? या तो आपकी संख्या बहुत ज्यादा होती तो आप खुद कह देते हाँ सत्र बुलाइए। आपके पास संख्या नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया। बीजेपी भी आपकी मदद नहीं कर पा रही। नहीं, मतलब जो पवन जी कह रहा है, मेरे पास संख्या है, माफ कीजिएगा, क्या आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि बीजेपी अमित शाह आपके विधायकों को कहे कि नहीं नहीं जाइए और बिहेव कीजिए और गहलोत जी की सरकार है आप उनका साथ दीजिए? मतलब आप भी तो सर, आपकी उम्मीदें इतनी काल्पनिक लग रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, सही बोल रही हैं, वो थोड़ी ना आपके लिए काम करेंगे। अमित शाह और मोदी जी तो संविधान तक के लिए काम नहीं करते, जिस जनता ने चुना उनके लिए काम नहीं करते, तो हमारे लिए क्या करेंगे? छोड़िए, अपने विधायकों को आपको मनाना होगा ना। आपने अच्छी बात कही, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। सीधी सीधी बात है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने सचिन पायलट सहित उनके विधायकों को कितनी बार पिछले 10 दिन में देख लिया? कितनी बार किसने देखा जरा बताइए? गहलोत साहब ने तो बार बार दिखाया, रोज दिखा रहे हैं। आपके शरद जी से पूछिए कितनी बार जाकर वो होटल में चले जाते हैं और देखकर आते हैं या नहीं देखकर आते? अब वो विधानसभा में दिखाना चाहते हैं जहां से सरकार की संख्या बल का पता चलता है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या आपत्ति है? सुधांशु जी को कब तक आप क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु जी सरकार से दूर रहे, साफ दिखाते भी नहीं, साफ छिपाते भी नहीं, बताइए। मैं इनका बिंदुवार जवाब देता हूँ। पहली बात जो हमारे मित्र पवन खेड़ा जी ने कही थी, मैंने बोला था एक दो विधानसभाओं का अपवाद स्वरूप छोड़कर, और आप ये बताइए जिन विधानसभाओं का आपने नाम लिया, देश का पहला राज्य कौन है जो कोरोना मुक्त हुआ? गोवा। कोरोना मुक्त हो गया, कार्य शुरू हो गया। आपने तो भीलवाड़ा मॉडल उठाया था, गड़बड़ झाला मॉडल दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो उन्होंने प्रश्न पूछा तोते वाली बात। देखिए, मुझे अभी सचिन पायलट गुट के जो विधायक महोदय बोल रहे थे उससे बात याद आ गई। देखिए, हमारे यहाँ तो सब शेर है और ये लोग वैसे ही उनको मानते भी हैं। तोता तो वो है अंजना जी, विधानसभा चुनाव के दौरान आप होंगी याद करिए, बड़ी फेमस घटना हुई थी कुंभाराम योजना को, जिसने कुंभकर्ण योजना बोल दिया था। वो तोता है जहां सबकी जान अटकी हुई है और उस तोते की जान सब में अटकी हुई है, इसलिए पूरे राजस्थान में आप देख रहे हैं एक तीतर बटेर की लड़ाई होती ना दो लोगों के बीच में, वो लड़ाई पूरी तरीके से कांग्रेस को दिखाई पड़ रही। अब एक सैद्धांतिक बात कहूं तो राजस्थान में विधायकों के विरुद्ध जांच करने का अधिकार सिर्फ सीबीसीआईडी को है, पीएसओजी कहां से आ गई? व्यवस्था का पालन करने की दवाही करने वाले लोग, और सरकार संकट में नहीं है मगर सरकार विधान भवन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।
वो होटल में रह रही है और सारे विधायक एक साथ झुंड में रह रहे हैं, मगर संकट नहीं है। अरे साहब राजस्थान में है, वहां तो राजे रजवाड़ों की पुरानी कहानियां है, जब राजा महल छोड़ के चला जाता था और किसी दूसरी जगह अपने सारे लोगों को ले जाकर सुरक्षित बैठा लेता था, समझ में आ जाता था कि संकट है। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि मनेसर में जो लोग बैठे हैं उन किसका डर है, मैं तो कहना चाहता हूं राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वो सक्षम पुलिस है जो एसओजी में जांच कर रही है, उस पुलिस के तत्वावधान में, जबकि अशोक गहलोत जी स्वयं गृह मंत्री है, किसका डर है कि वो विधान भवन में अपने सरकारी बंगले में मंत्री लोग सुरक्षित नहीं है और उन्हें होटल में रहना चाहिए? इसका जवाब दे दीजिए ना मान्यवर। अभी इसका जवाब गोविंद जी से लेते हैं। ठीक है, मैं भी देना चाहूंगा, कृपया कर गोविंद जी से इसका जवाब लेते हैं। गोविंद जी, कब तक छिपाते फिरिएगा अपने विधायकों को? क्या ये डर आपको भी सता रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से संवेदना सचिन पायलट के लिए है, क्यों छिपाते फिरना पड़ रहा है? एकजुट आपको यहाँ से वहां, वहां से वहां ले जाना पड़ रहा है अपने विधायकों को, क्या डर सता रहा है? देखिए, पहले तो मैं जो हमारे मोदी जी, सुरेश मोदी जी ने जो बात कही है वो मेरे ही जिले से आते हैं, मैं एक ही जिले के हैं, उनको पूछिए कि आपके सरकारी कॉलेज 70 साल में नहीं थी, इसी एक साल में आपको सरकारी कॉलेज मिली, तो आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा है। फिर मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ कि कब तक हम ये करेंगे। हम जब तक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र दिल्ली में बैठ करके रचा जा रहा है, उसका जब तक पर्दाफाश नहीं कर देंगे, उनको विफल नहीं कर देंगे, तब तक हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो संघर्ष करेंगे। जहाँ भी जाना होगा न्याय के लिए जाएंगे, चाहे वो महामहिम राज्यपाल महोदय हों, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हों, हर चीज के लिए हम तैयार हैं। और जिस जनता ने खून पसीना बहा करके सरकार को चुना है, वो जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्या हो गया कि हम विधानसभा का सत्र ही नहीं बुला सकते, तो उसको जानने के लिए हम बैठे महामहिम के यहाँ पर बंगले। ठीक है, जल्दी से पुनिया साहब, उसके शरद के पास जरा चलेंगे, उनके पास काउंटर पॉइंट है पवन खेड़ा के लिए, मुझे बताया गया है। शरद, मैं आ रही हूँ, एक बार जल्दी से पहले ले लेते हैं, पुनिया साहब हाथ उठा रहे हैं कुछ कहने के लिए। पुनिया साहब, दाग देलवी की वो शायरी पढ़ी है अभी पवन खेड़ा ने, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये आरोप आप पर है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप फेयरमोंट का भाड़ा खोल दीजिए, फैसला हो जाएगा, खतरा तो है ही नहीं, भय है ही नहीं। दूसरा, कांग्रेस के लिए दो कहावत लागू होती हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, और मीठा मीठा गपगप और खारा खारा थू थू। पवन खेड़ा जी बता देंगे, 80 में कांग्रेस नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी ने पूरी जिस समय, उस समय गैर कांग्रेसी सरकारें थी, सबको अपदस्थ कर दिया, बर्खास्त किया। राजीव गांधी जी ने बूटा सिंह जी को कहा, सरदार जी कृपाण अपनी बगल में रखिए, इतनी सारी सरकारें हलाल मत कीजिए, ये किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? 93 बार अपदस्थ किया सरकारों को। एक सीधा सवाल आपसे करूं सर, सब बड़े ध्यान से इस जवाब को सुनेंगे, सवाल 100% का है, और वो ये है कि क्या सचिन पायलट को आप लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं वसुंधरा राजे के रहते हुए? सोचकर जवाब दीजिएगा, बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे भी एहसास है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति आती है, तैयार? ये ऐसा सवाल है अंजना जी, ये ऐसा सवाल है कि कुंवारे की शादी करवानी हो, अभी कोई परिस्थिति तय नहीं है, क्या होगा इस बात की बहस हो रही है। अब मुख्यमंत्री आज कोई कौन बनेगा, करोड़पति का सवाल थोड़ी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, समय बताएगा। कुंवारे की शादी की का डेट आ चुका है ना, आप परिस्थिति तो देखिए अपने राजस्थान की, आपको तय तो करना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो जब परिस्थिति बनेगी दूल्हा तय करेंगे, तो दूल्हा स्वीकार है आपको? मैंने कहा दूल्हा तय करेंगे, कौन होगा, एक्स वाई जेड, परिस्थिति तय करेगी। लेकिन आज तो प्रश्न यह है कि कांग्रेस अपना विधायकों का बहुमत खो चुकी अपने परिवार के भीतर। सतीश जी, आपको भी पता है वसुंधरा जी बिल्कुल चुप है, इतने दिनों से ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा ये राजस्थान का चल रहा है, वसुंधरा जी मौन है, अपने मौन से वो बहुत कुछ कह रही है, और मुझे तो लगता है कि वो दबाव आप लोगों पर उससे भी ज्यादा है जो विधायक वहां पर बैठे हैं। आप ही बता दीजिए ना, सचिन पायलट को सीएम के तौर पर, क्योंकि डेप्यूटी सीएम तो वो थे ही, इससे कम में तो वो मानेंगे नहीं, सीएम के पद पर उनको स्वीकार? सुधांशु जी देखिए, इस टेस्ट में जवाब पुनिया जी से लेना है सर, थोड़ा सा रुक जाइए, पुनिया जी को बोलने दीजिए, उन्हें ही राजस्थान अध्यक्ष है वो बीजेपी के, उनको संभालना है सर। पुनिया साहब, कुछ कहना चाहूंगा।
पुनिया साहब, पायलट जी को स्वीकारिएगा सीएम के पद पर। आज ये प्रश्न ही नहीं है, आपका प्रश्न ही काल्पनिक है। यहाँ किस कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कोई तय हो रही है क्या? यहाँ आज तो जो संवैधानिक संकट है उसके समाधान की बात हो रही है। एक दो लाइन और सर, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आप लोगों की। आपने कहा ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। 19 विधायक इंक्लूडिंग सचिन पायलट अगर इधर आते हैं, क्या परिस्थिति बनती है? कुछ तो आप लोग भी अंदर खाने बातचीत कर रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे। सुधांशु जी डटे हुए हैं कि आपको इस मुसीबत से निकालेंगे, भाई हाथ उठा रहे हैं जवाब। तब तय करेंगे, आपको भी बताएंगे। अंजना जी, पर आपके मन में क्या है सतीश जी, आपके मन में क्या है? कांटो भरी कुर्सी सिर्फ उधर गोविंद डोटासरा जी की नहीं है, आपकी भी है। अभी मैं मेरे मन की, आपके मेरे मन की अभी मैं चैनल पे थोड़ी बताऊंगा, लेकिन ये बात निश्चित है कि अभी जो संकट है उसका समाधान होगा। कांग्रेस पार्टी अल्पमत में है, उसके बाद फैसला करेंगे। जल्दी से सुधांशु जी आपका कमेंट हम सुनेंगे, जल्दी से एक लाइन में बोल दीजिए, वक्त की बहुत कमी है। आपने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री होने की बात कही है, कहा प्रश्न है कि हमारे मुख्यमंत्री, अरे अंतरात्मा की आवाज और तोतात्मा की आवाज पे वोटिंग हो जाए तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। और आप समझ लीजिए, मुगले आजम फिल्म इनको दिखाई गई ना, तो मुगले आजम में जब अनारकली कैद कर ली गई थी तो सलीम ने क्या बोला था, क्या जिल्ले इलाही को मेरे जुल्म और अपने जब्त किए खत्म मुकर्रर करनी होगी। वली अहद सल्तनत वही था, आखिर में वही बना था। तो देख लीजिएगा, वहां मुख्यमंत्री बनने का सवाल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मुगले आजम का तो सर ये भी डायलॉग है कि कांटो को मुरझाने का खौफ नहीं होता, लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा कि क्या आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हैं?